नमस्कार एन क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर ट्वेल्व एल कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड इससे पहले हम तीन क्लासेस पढ़ चुके हैं जो तीसरी क्लास थी उसमें हमने एल और कीटोन की कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था जैसे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में जाना था क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में जाना हमने इसके अलावा कैनिजरों रिएक्शन के बारे में जाना इसके अतिरिक्त हमने जो बात की थी वो हमने इनके यूजेस के बारे में बात की थी इनकी अप्लीकेशन के बारे में बात की थी फिर हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में सीखा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक समूह क्या है उसके हमने स्ट्रक्चर के बारे में जाना संरचना के बारे में जाना फिर हमने इसके नॉमन सीखा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के में सफिक्स के रूप में आई यू पी एस सी में वही अम्ब लगाते हैं फिर हमने उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जाना था कि किस प्रकार से एल्डिहाइड कीटोन -E या अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं हमने यह भी जाना था कि नाइट्राइल के हाइड्रोलाइसिस से अथवा एसिड डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलाइसिस से भी कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण किया जा सकता है इस वाली क्लास में हम ये जानेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शंस क्या हैं वे किस प्रकार की रिएक्शन दिखाते हैं उनकी एसिडिटी किस प्रकार से वो शो करते हैं अम्लता कैसे दिखाते हैं कौन कौन से ऐसे समूह हैं जिनके लगने से कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता में वृद्धि हो जाती है और ऐसे कौन से समूह हैं जिनके जुड़ने से कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता में कमी आ जाती है हम यह भी सीखेंगे इसके अलावा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन कौन सी महत्वपूर्ण रिएक्शन से दिखाते हैं हम डिकार्बोक्सीशन के बारे में भी बात करेंगे हम एस्टरीफिकेशन के बारे में बात करेंगे और एस्टरीफिकेशन के हम मैकेनिज्म भी सीखेंगे कि जब कभी कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं और एस्टर बनाते हैं तो वो उसकी क्रियाविधि क्या है पहले क्या इसके बारे में सोचा जाता था और अब वास्तव में क्रियाविधि इसकी क्या है वह भी हमें सीखनी है हम यह भी जानेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किन किन चीज़ों में इनका उपयोग होता है तो ये बिल्कुल विस्तार से हमें पढ़ना है इसमें कि अम्ल की सभी रिएक्शंस कौन कौन से ग्रुप इसकी एसिडिटी को बढ़ा देते हैं कौन कौन से ग्रुप इसकी एसिडिटी कम कर देते हैं इनके एसिडिटी का ऑर्डर क्या ये कम्पटिशन एग्जाम में बहुत आता है इसको आप गहराई से सीखिएगा गहराई से समझिएगा कि कौन से समूह लगने पर अम्लता में वृद्धि होती है कौन से समूह लगने पर अम्लता में कमी आती है और इनका ये एसिडिटी का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है ये आप ज़रूर ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम्स में इसको काफ़ी पूछा जाता है तो हम शुरुआत करते हैं कार्बोक्स का अम्बल की रिएक्शंस के बारे में उसकी एसिडिटी के बारे में रासायनिक अभिक्रिया है सबसे पहले एसिडिटी या अम्लता धातु अथवा क्षारों के साथ अभिक्रिया एल्कोल की तरह कार्बोक्सिक अम्ल विद्युत धनी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं और फिनोलो की तरह क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं आप ये देखें आर सी डब्लू एच इसकी रिएक्शन यदि हम सोडियम के साथ कराएंगे तो यह सोडियम कार्बोक्सिलेट और हाइड्रोजन बनेगा बहुत तेजी से रिएक्शन होती है ये बड़ी एफरवे के साथ रिएक्शन होती है फास्ट रिएक्शन है और तुरंत क्या बन जाता है सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाता है यह दुर्बल क्षारक जैसे कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं यह बिक्रियाँ यौगिक में उपस्थित कार्बोक्सिलिक समूह को पहचानने में प्रयुक्त की जाती हैं अब आप देखो ये रिएक्शन एग्जाम में पूछेगा कि ऐसी रिएक्शन लिखिए जिसमें आप किसी कार्बनिक पदार्थ में कार्बोक्सिल समूह की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं उसका क्या है कि जब कभी भी किसी भी समूह में या किसी यौगिक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं और एफरबेसेंस के साथ गैस निकलती है तेजी के झाग के साथ गैस निकलती है इसका मतलब उसमें जो पदार्थ उपस्थित है उसमें समूह कार्बोक्सिलिक एसिड है और वह शर्त क्या है वो जो गैस निकल रही हो वो कार्बन डाइऑक्साइड हो समझने की कोशिश करो कि कार्बोक्सिलिक अब समूह किसी पदार्थ में उपस्थित है उसमें डालो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालोगे तेजी के साथ झाग बनेंगे एफेरबेसेंस बनेंगे और गैस निकलेगी उस गैस को यदि लाइम वाटर से पास करते हैं और वो मिल्की हो जाता है इसका मतलब वो गैस कौन सी थी कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका मतलब जो लिया गया पदार्थ है उसमें कार्बोक्सिल समूह उपस्थित है तो ये कार्बोक्सिल समूह की पहचान है ये इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कार्बोक्सिल समूह का या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालने पर यह डाइऑक्साइड गैस निकलती है तेजी के साथ झाग निकलते हैं एफरबेसेंस के साथ ये अभिक्रिया होती है और सी टू गैस बाहर निकलती है कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में वियोजित होकर कार्बोक्सिलेट ऋणायन तथा हाइड्रोनियम आयन देते हैं जो अनुनाद द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करता है यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये कार्बोक्सिलम एच टू से रिएक्शन करेगा तो एच पॉजिटिव बन जाएगा और ये ये जो एच था ना ये एच पॉजिटिव ग्रुप में तो इस पर जुड़ गया ऑक्सीजन पर और यहाँ आ गया निगेटिव चार्ज अब जब ये निगेटिव चार्ज हो आ गया अब ये इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया ये वाला डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले गया तो ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया तो हमारे पास दूसरी स्ट्रक्चर ये बन गई तो कार्बोक्सिलेट आयन की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं और ये स्टेबल हो जाता है अब देखो यहाँ एक बात समझने की है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में और कार्बोक्सिलेट आयन में कौन ज्यादा स्थाई है यहाँ समझो देखो, देखो बात को ध्यान से देखो कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने पिछली क्लास में सीखी थी और हमने अब हमने देखी कार्बोक्सिलेट आयन की अब दोनों में अंतर देखिए और फिर देखिए कि हम ये बताएंगे कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में ज्यादा स्थाई है याद करें पिछली क्लास में जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना देख रहे थे उसकी अनुनादी संरचना देख रहे थे तो हमने कहा था कि एक ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन ले जाता है तो वो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और जो ओएच वाला ऑक्सीजन था वो अपने इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन को दे देता है डबल बॉन्ड आ जाने के कारण से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ओएच वाले ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ गया ये स्ट्रक्चर आपको याद आ गई पिछली क्लास में पढ़ी थी दो रेजनेटिक स्ट्रक्चर बन रही थी यहाँ भी कार्बोक्सिलेट आयन में दो रेजनेटिक स्ट्रक्चर्स बन रही हैं लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्थाई है बजाय कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्यों क्योंकि वहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और जब कभी भी किसी नेगेटिवली एटम पर यदि पॉजिटिव चार्ज आता है तो कम स्थाई होता है और यहाँ हम देखें कार्बोक्सिलेट आयन की जब संरचना पढ़ रहे हैं तो यहाँ ऑक्सीजन पर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है पहले एक ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है फिर दूसरे ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है तो H आसानी से निकल जाएगा और कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा और कार्बोक्सिलेट आयन चूंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में अधिक स्थाई है इसी कारण से या उसकी रेजोनटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्थाई है इसी कारण से कार्बोक्सिलिक अम्ल आसानी से प्रोटॉन का डोनेशन कर देता है और कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है एक और बात यहां सीखो देव गहराई से कि कार्बो ऑक्साइड में एक तो है सी डबल बॉन्ड ओ और एक है ओ एच OH ग्रुप बहुत ध्यान से बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं एक है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप और एक है ओ एच OH ग्रुप सीधे सीधे हम कहें एक है कार्बोनाइल ग्रुप और एक है ओ OH एच मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब इसको हम अलग अलग बात करते हैं जो आपने पहली चैप्टर में पढ़ा था ओ एच ग्रुप के एल्कोल के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये वीक एसिड्स होते हैं याद करो हमने कहा था ये वीक एसिड्स होते हैं इनमें हाइड्रोजन निकालने के लिए या इनके प्रोटोन के डोनेशन के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ती है तब जाकर ये प्रोटोन का डोनेशन कर देते हैं और और ये ये क्या बनाते हैं ये एल्कोक्साइड आयन बना लेते हैं याद आ गया यानी कि होते क्या हैं एल्कोल वीक एसिड होते हैं राइट जब हम एल कीटोन का इसी चैप्टर में पहली क्लास में बात पढ़ रहे थे तो हमने कहा था एलडीआईड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं दो अलग अलग बातें याद आ गई एक पहले चैप्टर की एल्कोहल वाले की और दूसरे अभी इसी चैप्टर की पहली क्लास में हमने कहा था कि कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं दोनों बात याद आ गई अब यहां ध्यान से सुनो यहां क्या है कार्बोक्सिल के हमले में कार्बोनाइल ग्रुप भी और ओ OH एच ग्रुप है तो ओ OH एच ग्रुप के कारण इस कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी कम हो जाती है बात ध्यान से सुने ओ OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप के कारण इस उवेज की प्रोटॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है जो एल्कोल में ये प्रोटॉन उतनी आसानी से नहीं दे पा रहा था वो अब ये ज्यादा आसानी से प्रोटॉन देता है क्योंकि इस कार्बोनाइल ग्रुप ने इस उवेज की हाइड्रोजन देने की या प्रोटोन देने की टेंडेंसी को बढ़ा दिया क्योंकि इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले लिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कम हो गए इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो कहाँ से लेगा ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन कहाँ लेगा उसके पास वाले हाइड्रोजन से और आसानी से यह प्रोटॉन को निकाल देगा तो जिस कारण से इसकी एसिडिटी इनक्रीज हो जाएगी इसकी अम्लता एल्कोल की तुलना में बढ़ जाती है तो हम सीधा सीधा शब्दों में बात करें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की उपस्थिति के कारण कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी कम हो जाती है लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप की उपस्थिति के कारण से हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एसिडिटी या उसकी रिएक्टिविटी इनक्रीज हो जाती है तो इस बात को हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप उपस्थित हैं कुल मिला ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप करा रहा है इस कारण से ये एल्कोहलों की तुलना में ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं एल्कोहल क्यों नहीं दे पा रहा था क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था यहाँ सी डबल बॉन्ड होम है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इस कारण से इसमें वो एच से एच बहुत आसानी से निकल जाएगा और ये एसिडिटी दिखाएगा और जो हमने बात की कि कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में अधिक स्थायी होंगे क्योंकि इसमें जो रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है उसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखकर फिर आगे की रिएक्शन्स को पढ़ना है तो यहाँ देखिए इस रिएक्शन में कार्बोक्सिल अम्ल वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना रहा है और हाइड्रोनियम आयन बनने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है और कार्बोक्सिलेट आयन में पहले एक ऑक्सीजन फिर दूसरा ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो रहा है इस कारण से क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है और कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस के कारण से स्टेबल हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव कि जो सब्सटेंट है उनका क्या इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप हैं उनके कारण से तो इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे उसके कारण से तो इलेक्ट्रॉन की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह हैं उसके कारण से इनकी एसिडिटी कम हो जाती है यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपने आने वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्या हुआ जिसे जैसे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा तो कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन किससे लेगा ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन किससे लेगा हाइड्रोजन से तो वो तुरंत हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में निकाल देगा तो यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन बहुत आसानी से प्रोटॉन के रूप में निकल जाएगा और जितनी आसानी से निकलेगा उतनी एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी दूसरी तरफ देखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं वो क्या करेंगे कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था ऑक्सीजन के पास में वो प्रोटॉन ग्रुप में उतनी आसानी से नहीं निकलेगा तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं वो एसिडिटी को कम कर देते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं वो एसिडिटी को बढ़ा देते हैं समूहों का प्रभाव अम्लता के बढ़ते क्रम में अब आप ये देखें कि फिनाइल ग्रुप से ज्यादा आई लगा हुआ हो बी आर उससे अधिक सी एन एफ सी एन एनओ टू और सी एफ थ्री तो जैसे जैसे ये समूह लगते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से खींचते चले जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऐसे जैसे जैसे समूह लगेंगे वैसे वैसे उसकी एसिडिटी इंक्रीज होती चली जाएगी अब आपसे सवाल ये आता है वो पूछेगा एसिटिक एसिड फ्लोरोसिटिक एसिड डाई फ्लोरोसिटिक एसिड और ट्राई फ्लोर एसिटिक एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है तो आप कहोगे ट्राई फ्लोरो सी एफ थ्री सी डब्लू एच सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी का होगा क्यों क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तीन तीन फ्लोरिन जुड़े हुए हैं डाई फ्लोरो एसिडिक एसिड दो फ्लोरीन है मोनोफ्लोरेस्टिक एसिड में एक एक फ्लोरिन है और एसिटिक एसिड में जो सी एस सी ग्रुप है वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट रखता है तो इस कारण से जैसे जैसे माइनस आई प्रभाव वाला माइनस एम प्रभाव वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो वो एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा यदि प्लस आई प्रभाव वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा तो आप यहाँ देखें एसिडिटी का ऑर्डर घटते क्रम में सी एफ थ्री सी डब्ल्यू एच सबसे ज़्यादा एसिडिक है उससे कम ट्राईक्लोरेस्टिक एसिड सी सी एल थ्री सी डब्ल्यू एच फिर सी एच सी एल टू एक क्लोरीन कम हो गया उससे कम एसिडिक एनओ टू सी एस टू सी डब्ल्यू एच फिर सी एन सी एस टू सी डब्ल्यू एच एक फ्लोरीन रह गया मोनोक्लोरेस्टिक एसिड मोनोक्लोरेस्टिक एसिड मोनोब्रोमो एसिड अब आ गया फार्मिक एसिड फिर इसके बाद में देखो तो सी अब दूर चला गया है है ना फिर इसके बाद बेंजोइक एसिड उसके बाद ये सी सी एस फाइव सी एस टू सी डब्ल्यू एच एसिटिक एसिड और प्रोपोनिक एसिड और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे एसिडिटी इसकी डिक्रीज होती चली जाएगी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में फैनिल समूह पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण से इसकी एसिडिटी इनक्रीज़ हो जाती है यदि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है ये जो बेंजीन है जिसमें सी डब्लू एच ग्रुप लगा हुआ है यदि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं तो एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी अब कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं सी ओ एच के रिएक्शंस क्या हैं जैसे एनाइड्राइड का बनना यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो मॉलिक्यूल लो और उसको पीटू ओ फाइव आप पीटी ओ फाइव को समझो जहाँ कहीं आपको पी टू ओ फाइव लिखाई दिखाई दे कंसनट्रेट एस्टोसोफोल्ड लिखाई दिखाई दे इसका मतलब ये क्या है डिहाइड्रेटिंग मतलब एजेंट है दिखाया 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 दिखा ये वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्व करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं तो ये इथेनोइक अम्ल में आपके दिखाई दे रहा है इथेनोइक अम्ल के दो मॉलिक्यूल हम लेके चले हैं। अब ये दो मॉलिक्यूल में से क्या करेगा एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल के क्या बन जाएगा एनहाइड्राइड जब किसी में से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो हम कहते हैं एनहाइड्राइड का बन गया तो ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा कब जब हम इसको पीटू फाइव के प्रजेंस में गर्म करेंगे एस्टरीफिकेशन मैं कहता बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जब कभी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो क्या बनते हैं एस्टर बनते हैं इसका हम क्लास में प्रैक्टिकल भी खूब कराते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसका एल्कोहल बनाएं एस्टर बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में इरिटेटिंग स्मेल होती है एल्कोहल की अपनी के स्पेसिफिक स्मेल है जब इसको हम एक दो बूंद एस्टोसूफोर के डालकर और गर्म करते हैं गर्म करने के बाद फिर आप देखो उसमें फ्रूटी स्मेल आ जाती है आप स्मेल से पहचान हो शुरू में हमने क्या लिया कार्बोक्सिलिक का अम्ल मान लो है है एक स्पेशल ऑर्डर है एल्कोहल का भी अपना एक ऑर्डर है दोनों को अलग अलग लो दोनों को मिला लो उसमें एक दो बूंद एस्टर डालो गर्म करो गर्म करने के बाद फिर उसको देखो इसमें फ्रूटी स्मेल आ जाएगी फलों जैसी गंद आ जाती है इसका मतलब इसमें एस्टर का निर्माण हो चुका है तो कार्बोक्सिलिक का अम्ल और एल्कोहल मिलकर एस्टर बनाते हैं एस्टरीकरण की क्रियाविधि ये आप देखो बहुत ध्यान से समझो क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं और इसके बारे में पहले क्या भ्रांति थी और अब क्या है देखो क्या पहले ऐसे माना जाता था चूँकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में कहते हैं क्योंकि वो प्रोटोन देता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जब कभी भी एलकोल से रिएक्शन करता है तो पहले ऐसा कहते थे कि इससे तो प्रोटोन निकलता है एल्कोल से ओ एच निकलता है एच टू ओ निकल जाता है और एस्टर बन जाता है लेकिन बाद में जब इसकी मैकेनिज्म देखी और हमने आइसोटोपिक ऑक्सीजन लेके चले तब ये ज्ञात हुआ कि इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में से तो ओएच समूह निकलता है और ये जो एल्कोहल है इसमें से एच निकलता है और तब जाके एस्टर बनते हैं तो ये किससे पता चला अभी तक हम पढ़ रहे थे कार्बोक्से के अम्ल में ओ और एच का जब बॉन्ड टूटता है इस वाली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्से के अम्ल में जब सी और ओ का बॉन्ड टूट रहा है तो ये जो सी और बॉन्ड ओ है ना ये टूटेगा अब ये रिएक्शन कैसे होगी ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निगेटिव ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने के कारण से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ये ऑक्सीजन कैसे हो जाएगा निगेटिव ये कार्बन कैसे हो जाएगा पॉजिटिव अब यहां पर ये एच का एडिशन होगा एच का एडिशन किसके पास जाएगा ये o के पास क्यों गया कि ऑक्सीजन हो गया था नेगेटिव एच एस के पास चला गया तो क्या स्थिति बन गई ये OH पॉजिटिव हो गया ये इलेक्ट्रॉन्स पर आ गए थे ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ओ OH एच आ गया और ये कार्बन क्योंकि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के जाने से पहले एच इस पर जुड़ा जुड़ने के बाद इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए देने से हो गया कार्बन पॉजिटिव चार्ज अब ये आर ओ एच पर यहाँ पर क्या है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा ऑक्सीजन को ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया वो हो गया खत्म तो यहाँ पर थे ओ आ गया ये कार्बन ये ये वाला ओ है ये ये वाला ओ आ गया इस ऑक्सीजन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन दिए थे इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ये आर और ये एच खूब अच्छी तरह समझ में आ गया यहाँ पर क्या हुआ है कि पहले इस ओ पर एच जुड़ा ओ पर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कमी आ गई ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहां गए और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया अब आप ये जानते हो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता तुरंत इससे हाइड्रोजन लेगा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और एच पॉजिटिव के रूप में निकाल लेगा तो ये जो एच पॉजिटिव यहाँ काम आया था वो यहां पर निकल गया अब ध्यान से देखो आप एच पॉजिटिव कहां से निकला एल्कोहल से यह एल्कोहल का एच था यह एल्कोहल का एच यहाँ आ गया और यह एच पॉजिटिव निकला पहले क्या माना जाता था कि कार्बोक्सिल से एच निकलता है वास्तव में एच पॉजिटिव किससे निकल रहा है ये एल्कोल से निकल रहा है अब ये स्थिति आ गई यहां पर जो ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया ये ओ एच और ये भी ओ एच अब यहां पर क्या हुआ कि ये ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको देगा ये इलेक्ट्रॉन किसको दिए इसने इसको दिए यहां पर ये ओ आर आ गया और ये इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज ये एच वापस निकल गया और एस्टर में कन्वर्ट हो गया तो यहां की जरूरत ये ओ एच किससे निकला ये जो ओ एच है ये कहां से निकला ये ओ एच था कार्बोक्सिलिक के वाला तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओ OH निकला एल्कोअल से एच निकला और इससे बन गया ये एस्टर तो एस्टरीफिकेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से हमें समझना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में ये आती है उसमें हमें ये समझना होगा कि किस प्रकार से ये पहले प्रोटोनेटेड एस्टर और बाद में ये एस्टर में कन्वर्ट हो रहा है और इस एस्टर बनने में अम्ल से ओ OH एच और एल्कोअल से एच निकलता है इसके अलावा पी सी एल थ्री पी सी एल फाइव और एसोसियल टू के साथ अभिक्रिया इनमें किसी के साथ अभिक्रिया कराएं एसिड एलाइड बन जाते हैं कार्बोक्सिल्क अम्ल लें पी ले, सी एल फाइव के साथ रिएक्शन तो कराएंगे तो आर सी ओ सी एल पी सी एल थ्री और एस सी एल बनेगा यदि हम पी सी एल थ्री के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आर सी ओ सी एल और एस थ्री पी ओ थ्री बनता है यदि एस ओ सी एल टू थैनल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आर सी ओ सी एल एस ओ टू और एच सी एल बन जाता है कार्बोक्सिल्क अम्ब अमोनिया के साथ अभिक्रिया जब कभी भी कार्बॉक्सिल्क अम्ल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा अमाइड बनेगा जैसे मानो एसिटिक अम्ल है इसकी एनस्त्री के साथ रिएक्शन कराओ पहले क्या बन जाएगा अमोनियम एसिडेट उसके बाद वाटर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा एस्टामाइड ये एसिड का डेरिवेटिव है इसी तरह से बेंजोइक एसिड लो बेंजोइक एसिड रिएक्शन कराओ तो अमोनियम बेंजोइट उससे फिर बाद में बेंजामाइड बन जाता है थैलिक एसिड इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं उसके बाद क्या हुआ ये ये बन गया अमोनियम थैलेट अमोनियम थैलेट के बाद में ये थैलामाइड और थैलामाइड से फिर बाद में ये अमोनिया निकल जाने से थैलीमाइड बन जाता है तो कहने का मतलब ये कि अमोनिया के साथ इनकी रिएक्शन हो जाती है पहले अमोनियम सॉल्ट बनता है और बाद में ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं रिडक्शन कार्बोक्सिल गम लिथियम एल्युमोनियम हाइड्रेट अथवा डाइबोरेन के साथ प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है तो कार्बोक्सिलम की रिडक्शन कराएं लिथियम एल्युमुनियम हाइड्रेड के साथ में अथवा इथर की उपस्थिति में बी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले एल डी फिर बाद में प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा डिकार्बोक्सीशन सी डबल ओ ग्रुप निकल जाए सी ओ टू कार्बन डा का निकलना तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में सोडियम कार्बोनेट बन जाता है आपको याद हो तो आपने ये रिएक्शन क्लास एलेवंथ में पढ़ी होगी जब एल्केन पढ़ा था ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक कार्बन एटम कम हो जाता है ये ये डिसेंडिंग रिएक्शन के रूप में काम आती है इसको हम सोडा लाइम प्रोसेस भी कहते हैं लाइम सोडा प्रोसेस भी कहते हैं सोडा लाइम मतलब एन्यवे सोडा और लाइम मतलब सी ए ओ इसको हम थ्री टू वन के रूप में लेते हैं और जब कभी भी इसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम साल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें एक कार्बन एटम हमेशा कम होता है इसका मतलब ये हुआ जाइए यदि हम यहाँ पर सी एस थ्री सी डबल एन ए लेके चलेंगे तो मेथेन बनेगा तो कम से कम हमें इसमें क्या लेके चलना पड़ेगा दो कार्बन एटम वाला हमें ले कर चलना पड़ेगा सोडियम सॉल्ट तो उससे मेथेन का निर्माण हो जाएगा एक कार्बन एटम इसमें कम हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातु लवणों के जलीय विलयन का विद्युत बटन से वी कार्बॉक्सिलीकरण हो जाता है और हाइड्रोकार्बन निर्मित होते हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अम्ल एल्किल समूह में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से दुग्नी हो जाती है और इस प्रक्रिया को कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कहते हैं या यह भी आपने क्लास इलेवंथ में पढ़ा था इसमें हम क्या करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण लेते हैं उनका हम क्या कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर इनमें पहले फ्री रेडिकल पहले निगेटिव आइन का फॉर्मेशन होता है फिर फ्री रेडिकल बनते हैं और फ्री रेडिकल जब आपस में जुड़ते हैं तो उनमें क्या बन जाता है ये ये इनमें एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है और एल्केन का फॉर्मेशन होता है तो इसमें सीओ टू बाहर निकलती है तो इसी प्रक्रिया को भी हम क्या कहते हैं डी कार्बोक्सीशन कहते हैं हेलोजिनेशन ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कर एल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं और इस प्रकार की अभिक्रिया को हेल्वोलर जेलिंस की रिएक्शन कहते हैं तो यहाँ देखें आर सी एस टू सी डब्लू एच जब इसकी रिएक्शन हेलोजन और रेड फॉस्फोरस से कराएंगे तो अल्फ़ा कार्बन एटम पर एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है इसको हम हेल वोलर जेलेंस की रिएक्शन कहते हैं इसका मैकेनिज्म आपकी आगे की क्लासेज में आएगा कि किस प्रकार से पहले यहाँ पर सी डब्लू एच में से एच हटकर सी डब्लो बी आर सी ओ बी आर समूह जुड़ेगा या सी ओ सी एल समूह जुड़ेगा फिर किस प्रकार से अल्फा हाइड्रोजन एटम पर एडिशन होता है ये डिटेल मैकेनिज्म आपको अगली क्लासेज में दे रखी है वलय प्रतिस्थापन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं जिसमें कार्बोक्सिल समूह एक निष्क्रिय तथा मेटा निर्देशकारी के रूप में काम करता है ये जो सी डब्लू एच समूह है इसमें जैसे बेंजोइक एसिड है अब इसमें हम कंसेंट्रेट एच एन ओ थ्री और जुड़े यानी कि हम नाइट्रेशन कराएं तो नाइट्रेशन कराने पर आने वाला समूह कहा जुड़ेगा मेटा पोजिशन पर जुड़ता है क्यों जुड़ता है क्योंकि यहाँ पर सी डबल्यू एच समूह एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है कार्बोक्सिल समूह एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों है क्योंकि ये एक माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट दिखाता है माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट दिखाने के कारण से ये क्या होगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा इसी प्रकार से जब इसका हेलोजिनेशन कराएंगे तभी मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल बनता है यह अभिक्रिया एल्युमिनियम क्लोराइड ले लो कोई भी लुइस एसिड ले लो एफ बी आर थ्री ले लो इसकी प्रेजेंस में कराते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग मेथोनिक अम्ल रबर वस्त्र रंगाई चमड़ा इलेक्ट्रोप्रेटिंग उद्योगों में काम आता है इथोनिक अम्ल का उपयोग विलायक के रूप में करते हैं और खाद्य पदार्थ में सिरके के रूप में इसका उपयोग किया जाता है हेक्जेन डायोइक अम्ल का उपयोग नाइलोन सिक्सिक्स के निर्माण में होता है बेंजोइक अम्ल की एस्टरों का उपयोग सुगंध द्रव्यों के रूप में होता है सोडियम बेंजोइट का उपयोग एक फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में लेते हैं और हायर फैटी एसिड्स का उपयोग जैसा कि पहले हमने बात की थी साबुन और डिटर्जेंट को बनाने में किया जाता है तो इस वाली क्लास में हमने क्या सीखा हमने इस वाली क्लास में सीखा कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शंस के बारे में उनकी अभिक्रियाओं के बारे में सबसे पहले बात की हमने उसकी एसिडिटी के बारे में अम्लता हमने कहा था कि सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल समूह की उपस्थितिकरण से वे समूह की प्रोटोन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है यानी कि एसिडिटी इनक्रीज हो जाती है फिर हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो लगाने पर इसकी एसिडिटी को इनक्रीज़ कर देते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पर इसकी एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है और ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो कार्बन से लगाने पर इनकी एसिडिटी डिक्रीज़ हो जाती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो इनकी एसिडिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं फिर हमने इसका ऑर्डर देखा इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिटी का क्या है उसके बाद हमने इसकी रिएक्शंस के बारे में जाना कि हमने डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में जाना हमने इसकी हेलोजिनेशन रिएक्शंस के बारे में जाना कि फॉस्फोरस के एलाइट्स के साथ में क्या रिएक्शन होती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने इसकी एस्टेडिफिकेशन मैकेनिज्म के बारे में जाना कि जब कभी भी कार्बॉक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल से कराते हैं एस्टर्स बनते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से ओ एच और एल्कोहल से एच निकलता है और एस्टर का निर्माण हो जाता है इसके बाद हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोगों के बारे में जाना कि विभिन्न कार्बोक्सिलिक अम्ल किस किस उपयोग में आते हैं तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर हमने सीखा एल के बारे में कीटोनों के बारे में उनकी रिएक्शंस के बारे में मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में किस प्रकार की रिएक्शन दिखाते हैं फिर कार्बोक्सिल अम्ल के बारे में जाना कुछ उनके डेरिवेटिव्स के बात की उनकी रिएक्शंस को सीखा उनके उपयोगों के बारे में जाना इन सब को आपको बहुत ध्यान से देखना है कौन सा सॉल्वेंट काम में लिया क्या रिएक्शन मैकेनिज्म थी किस प्रकार का रिएजेंट काम में लेते हैं इंटरमीडिएट क्या बनता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों दिखाते हैं एसिडिटी किस प्रकार से इनक्रीज होती है कार्बोक्सिलिक आयन क्यों अधिक स्थाई है अम्ल की तुलना में एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा इस सब को बहुत गहराई से समझना है क्योंकि ये सब कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है और आगे की क्लासेज में भी आपको भी बहुत गहराई से समझना है तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा इसको आप वापस से पढ़ें एन की बुक से पढ़ें और इसके क्वेश्चन से जो दिए हुए उनको करने की कोशिश करें जितनी नेम रिएक्शंस हैं उनको बिना देखे लिखने की कोशिश करें उनको याद करें पहले रिएक्शन के हिसाब से उसका नाम क्या है नाम के हिसाब से वो रिएक्शन क्या है किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं आप रिएक्शन को जब लिख लिख कर देखोगे तो आपको वो अच्छी तरह से याद हो जाएगी मुझे लगता है आपको चैप्टर काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा धन्यवाद